कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक एक पत्ते के ऊपर, कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पूड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाए, अपनी कामना करकर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिले। पितरों के तुल्य है पहला पीपल, दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र। जय महाकाल साथियों, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो, किसी बड़े शहर में रहते हो जहां आपको गाय भी ना मिल पाए, कुत्ता भी ना मिल पाए और कौवा भी ना मिल पाए, आप किसको भोजन दें। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि ब्राह्मण भी घर पर भोजन करने नहीं आते हैं श्राद्ध पक्ष का, तब आप पितरों को कैसे तृप्त करें, कैसे संतुष्ट करें और कैसे खुश करें। इसके लिए पूड़ी बनाइए, उस पर कुछ मीठा खीर बना दी या कोई भी मीठे का अब ऊपर रखिए, थोड़ा नमकीन रखिए। तीन वृक्ष, वट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बेलपत्री का वृक्ष, इन तीनों ही वृक्ष के नीचे आप पूड़ी रख कर के आ जाइए, थोड़ा सा जल वहाँ रख के आ जाइए। पितर संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे और भूखे नहीं जाएंगे। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है, आप अपना नाम व गोत्र जरूर बोल करके आए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके हाथ जोड़ करके नमन करके आए, जिससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। बड़े शहरों में ये दिक्कत होती है कि वहाँ ब्राह्मण भी घर पर श्राद्ध का भोजन करने नहीं आते हैं, तब आप ये अचूक उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह हमारे यहाँ तो वट का वृक्ष नहीं है, या पीपल का या बेलपत्र का अगर कोई वृक्ष ना हो, तो जो वृक्ष है, चाहे तीनों में से कोई भी एक वृक्ष भी है, तब भी आप उसके नीचे इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही सरल उपाय है पितरों को खुश करने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितृ दोष को दूर करने के लिए। जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करें। मिलते हैं नए वीडियो में, पितृ पक्ष से संबंधित सारे ही वीडियो डले हुए हैं चैनल पर, आप जरूर देखना। हर हर महादेव।